Namaste and welcome to All About Lifestyle. This is Shraddha. Hope everyone is doing good. तो लास्ट वीडियो में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि आप अचानक से अपने घर पे कैसे आ गए, आप तो अपने मम के घर में थे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जी हाँ, आई एम बैक एट होम इन गाजियाबाद। मैं कुछ दिनों पहले अपने मम के घर में थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मेकओवर प्लान किए थे। उसमें ऑलरेडी मैंने दो मेकओवर शेयर कर दिए हैं, एक और लास्ट मेकओवर रह गया है सिंपल सा सिटिंग रूम का, वो मेकओवर नेक्स्ट आने वाला है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर DIY होम डेकोर और इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। तो जो आने वाला वीडियो है वो मेकओवर वीडियो होने वाला है, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें चैनल। और आज के वीडियो की हम बात करते हैं। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। अंडर बजट वॉल मेकओवर दिखाया है मैंने। जी हाँ, मैंने कुछ पेपर शीट्स को यूज करके बहुत ही सुंदर वॉल मेकओवर किया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको बहुत सारा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और उन्हें आइडिया मिल सके कि आप सिंपल और अंडर बजट भी वॉल मेकओवर कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा पिटारा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली डोज ऑफ इंटीरियर फोटोग्राफी देती रहती हूँ, साथ ही साथ मैं अपने आने वाले DIY प्रोजेक्ट्स और वीडियोस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो आप मुझे वहाँ फॉलो करना नहीं भूलिएगा, उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दीज आर सम पेस्टल शीट्स जो कि डिफरेंट कलर्स में है। मैंने यहाँ कलर कॉम्बिनेशन चूज किया है, दैट इज लाइट ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर, तो हम एंड ऑल्सो व्हाइट कलर। तो हम ये चार कलर मिलाकर बहुत ही सुंदर वॉल मेकओवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, ये A3 साइज के शीट्स हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं। इनकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है जिससे जो हमारा ओरिगामी पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, आप ये शीट लेकर इसमें स्क्वायर पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं क्योंकि मैंने स्क्वायर में कट करने वाली हूँ। आप यहाँ कैसा भी रेशियो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ 14:14 का रेशियो रखा है सारे स्क्वायर्स का। तो इस तरीके से मैंने सारे शीट्स कट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ओरिगामी पैटर्न बनाना 3D। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने स्क्वायर पेपर लेके उसे हाफ में फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको जो उसके दो और हाफ्स हैं हम उसको इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ध्यान रखिए कि इसमें हमें 3D पैटर्न देने के लिए एजेस को काफ़ी शार्प रखना है, तो इस तरीके से जो फोल्डिंग करें वो काफ़ी अच्छी फोल्डिंग होनी चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से हाफ पोर्शन में फोल्ड कर लेंगे और छोटा पैटर्न दे देंगे इसे। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें फोल्ड पे फोल्ड करती जा रही हूँ। अब जैसे हम पहले बचपन में रॉकेट या बोट बनाते थे, उसके हिसाब से ही हमें यहाँ एरो पैटर्न या ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। और ध्यान रखिए फिर से कि एजेस काफ़ी शार्प होने चाहिए, तो इस तरीके से एजेस अच्छे निकल कर आना चाहिए। तो उस तरीके से ही फोल्ड करिए आप। दूसरा साइड भी मैं उसी तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसके एजेस दिखने लगे हैं। अब दूसरे साइड से भी हम वैसे ही ट्रायंगल पैटर्न में इन्वर्टेड साइड में उसको फोल्ड करेंगे। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जो आप ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स देख रहे हैं, इन्हें हम ऑल्टरनेटिवली अंदर के साइड और बाहर के साइड फोल्ड करेंगे। तो अगर जो एक साइड का जो पैटर्न है, अगर आपने एक साइड इनसाइड फोल्ड किया है तो दूसरा साइड आउटसाइड फोल्ड करना है। आई होप आप देख के समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो इसके साइड के एजेस हैं उसको हम इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो हमारा जो 3D पैटर्न है ओरिगामी का वो रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बन जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे ईजिली। आप ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर बन कर आएगा। फिर बाकी के सारे स्क्वायर्स को भी मैंने उसी तरीके से फोल्डिंग देते हुए 3D पैटर्न्स बनाए हैं। मैंने टोटल यहाँ पे ओरिगामी पैटर्न्स 55 बनाए हैं। और जो नंबर ऑफ ओरिगामी पैटर्न्स है वो डिपेंड करता है कि आपका वॉल कितना बड़ा है
और आप किस तरीके का पैटर्न देने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये नंबर ऑफ ओरिगामी पैटर्न्स आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इतने सारे बना लिए हैं। अब हम इनके एजेस को स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए आप फेविस्टिक, फेविकॉल, स्टेपलर पिन, ऑडियोगन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेविकॉल यूज़ किया है, फेविकॉल से अच्छे से स्टिक भी हो गया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। इस तरीके से हमें दोनों एजेस को स्टिक करना है। याद रखिए सिर्फ दो एजेस ही स्टिक करना, बीच का जो पोर्शन है उसे खुला छोड़ना है। अब वॉल पे चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे डबल साइड टेप यूज़ किया है, टू वे टेप, और इस तरीके से मैंने सारे पैटर्न्स में पीछे के साइड टू वे टेप लगा दिया है। तो आपने पहले मेरा ये वॉल देखा होगा, तो ये मैं मैट्स हटा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे अपने 3D पैटर्न्स को स्टिक करेंगे। तो गाइस अभी ये खाली वॉल है, इसी का हम मेकओवर करने वाले हैं। तो मैंने जो ओरिगामी 3D पैटर्न्स बनाए हैं, मैं उसे यहाँ स्टिक करूंगी यूजिंग टू वे टेप, और यहाँ हम कुछ डिफरेंट पैटर्न देंगे, देखते हैं कैसा निकल कर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 3D पैटर्न स्टिक करना स्टार्ट कर दिया है। स्टिक करने के पहले आप वॉल को ज़रूर क्लीन कर लें एक ड्राई क्लॉथ से, जिससे उसमें जो भी धूल वूल है या डस्ट है वो सब निकल जाए। तो मैं इस तरीके से नॉर्मल पैटर्न देते आ रही हूँ। ये अपने आप ही एक अपना पैटर्न बना लेता है, इसको स्टिक करने पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो हेक्सागनल, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल लंबाई में कैसे भी शेप दे सकते हैं इन्हें। तो आप देख सकते हैं ये सारे डिफरेंट कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मेरा लिविंग रूम का कलर है सोफा और कर्टन्स का, उसके साथ काफी मैच कर रहा है ये। तो इस तरीके से स्टिक कर दिया है हमने। नाउ हियर कम्स फाइनल रिवील। Thanks for giving time to All About Lifestyle. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.